इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं होती, लेकिन आज वो दिन आ गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। 10 बरस बाद बिटिया आ रही है, इस घर में फिर से बाहर आ जाएगी। है, है, अरे अबे ये तुझे कुर्सियां और सोफे लगा रखे। अरे मैंने कहा बिटिया आ गई तो वो क्या कहेगी कि चाचा ने इस घर की क्या हालत बना रखी है। चाचा परसों बता देते तो आज हर चीज अपने ठिकाने पे होती है। अरे खान साहब का खत मुझे कल मिला है और मैं तुझे परसों कैसे बता देता। अरे मैं चाचा हूँ, कोई नजूमी नहीं। अरे मेरा मुंह क्या देता है, उठाओ इसे। और सुन, कुर्सियां और मेज ठीक से लगाना और ऐसा तगड़ा हाथ मारना कि हर चीज चमक जाए, झिलकती जाए, समझे। बुड्ढा हो गया लेकिन ये बाजा बजाना नहीं आया। शादियां बिटिया इतनी सी थी तो ये बाजा खूब बजाया करती थी। अबे अबे ये सफाई की है। अरे मेरी शादिया बिटिया विदेश से आ रही है, उसने ये गंदगी देखी तो अपनी तबीयत साफ कर देगी। रानी बिटिया आ गई। अहमद चाचा। अरे अरे पहचान लिया है मेरी बिटिया ने। मैं तो समझा था कि तू भूल गई है चाचा को। खान बहादुर साहब नहीं आए बिटिया? डैडी कुछ दिनों बाद आएंगे। लंदन से आते ही उनके पुराने दोस्तों ने घेर लिया कि एक दोस्त है वो तो उन्हें चैन से बैठने नहीं देते। अरे बचपन की यादें कहाँ चैन से बैठने देती हैं बिटिया। ये लड़की कौन है? ये रोजी है चाचा, मेरी गवर्नेस। अच्छा अच्छा, तुम अंदर चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। कितनी पुरानी हो गई है और अभी तक ठीक चल रही है। हर चीज वही, उसी हालत में। कुछ भी तो नहीं बदला है यहाँ। सिर्फ तुम बदल गई हो। मैं बदल गई हूँ? हाँ, जब तुम यहाँ से गई थी तो इतनी सी थी, अब तो माशाल्लाह। आप भी तो जवान से बुढ़े हो गए हैं चाचा। जितना बुढ़ा हो गया हूँ तुम लोगों के लिए मेरा प्यार उतना ही जवान हो गया। हाँ रोजी, हम बिटिया के कमरे में गो, उसके साथ फिर कम, फिर तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊंगा, समझा? समझ गया। ओह ये। अरे वाह चाचा, तुम तो इंग्लिश भी बोलने लगे हो। ये अंग्रेजी के दो चार लफ्ज तुम्हारे ही तो सिखाए हुए हैं। मुझे तुम्हारे बचपन की एक एक बात याद है, सच पूछो तो इन्हीं यादों के सहारे अब तक जिंदा हूँ। चाचा, ओ चाचा। अरे रोजी देखना ये दूध वाला होगा, इससे कहना कि आज इसे दूध देना शुरू कर दे। चाचा चाचा जा, जा। बाप सबसे बड़ा रुपया। सलाम बीबी जी, चाचा ने बताया था आप आ रही, आप तो वाकई आ गई हैं। मेरा मतलब मैं सचमुची आ गई हूँ। अब आप अगर आ ही गई हैं तो मैं आपको असली दूध पिलाया करूंगा। हाँ बीबी जी। मेरा नाम बीबी जी नहीं, रोजी है, मैं उनकी आया हूँ। आया? तो फिर यकीन करो मैं भी तुम्हारे ही वास्ते आया। तुम ही वो लड़की हो जो मेरे ख्वाबों में आया करती है। तुम मेम बनकर आई हो, कोई बात नहीं, अब मुझे भी साफ बहादुर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं विलायती कपड़े पहन के जब तुम्हारे साथ शहर के बड़े बड़े होटलों में जाऊंगा तो लोग देखकर परेशान हो जाएंगे। मैं वहां छुरी कांटे से खाना खाया करूंगा और फिर तुम्हारे साथ बहुत बड़ी बड़ी क्लबों में जाकर डांस किया करूंगा। चाचा के बच्चे दूध लाया या नहीं? तेरी की पानी फेर दिया सारी बात पर, लेके आता हूँ। याद है ना बिटिया,
मैं तुम्हें सारा सारा दिन खिलाया करता था। मैं घोड़ा बनता और तुम सवार, अपनी कमर पे लादे लादे घुटनों के बल चलता था। सारा देर के लिए रुकता तो तुम मुझे छड़ी से ऐसा मारती कि मैं बिलबिला उठता। हाँ, और इस हरकत में डैडी या मम्मी मुझे मारने लगते तो आप मुझे गोद में उठाकर बाहर भाग जाया करते थे। हाँ, मारा तुम मुझे करती थी और खफा वो हुआ करते थे। चाचा, तुम्हें मेरे बचपन की एक एक बात याद है? इन्हीं यादों के सहारे तो अब तक जिंदा हूँ। मैंने कहा, बेगम साहबा के इंतकाल के बाद खान बहादुर साहब ने तुम्हें तो लंदन भेज दिया और मुझे यूं लगा जैसे मेरी गोद उछल गई है। खान बहादुर कभी साल दो साल के बाद यहाँ आते तो मैं तुम्हारा जरूर पूछता और हमेशा यही जवाब मिलता, विलायत में पड़ती है, अब इतनी हो गई है। 150 गोज का फासला होता तो पैदल चल के मिला था। भला समंदर पार का सफर मुझ जैसा गरीब आदमी कैसे कर सकता है। अच्छा चाचा, चाय तो बहुत गर्म है, देखो। अरे मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, बातों बातों में चाय ठंडी कर दी। अच्छा अच्छा, मैं और बना के लाता हूँ। हाजी बाबा के मजार से फूल लाई हूँ, इन्हें चूम के आंखों से लगा ले। हाँ, आंखों में रोशनी आ जाएगी। हाँ, इन्हीं आंखों की रोशनी के लिए मेरा बाप इसी मजार पर दुआएं मांगता मांगता मर गया, लेकिन रोशनी नहीं आई। किस्मत अंधी हो गुलदार, तो ना किसी की दवा काम करती है और ना किसी की दुआ। तेरा जी तो है छोटा सा। हाँ, अंधे का जी है ना। जब तू जानती है कि तेरी लाइफ कोई चीज मैं नहीं देख सकता तो तू क्यों मेरे लिए कुछ लाती है? ले जा ये फूल, इन्हें छूने के बाद देखने की ख्वाहिश और तड़प आती है और इसी तड़प में अंधेरे का एहसास और गहरा हो जाता है। मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार, तेरे बिना क्या गीत रचे, तेरे बिना क्या गीत रचे। मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार, मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार। गीत है क्या, संगीत है क्या, गीत है क्या, संगीत है क्या, गीत है क्या, संगीत है क्या, सुर और सुर की रीत है क्या, लगन बिना क्या बात बने, लगन बिना क्या बात बने।
मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार, मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार। राह तक थे मेरे बने चैन, राह तक थे मेरे बने चैन, राह तक थे मेरे मन चैन, पत्थर बन गए दो नैना, रात न बीते दिन ना डले, रात न बीते दिन ना डले, मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार, मोरा जिया ना लगे। लीजिए अपनी छड़ी, आपकी आंखें है मैं अंधा। चलिए मैं आपको घर छोड़ दूं। छोड़ दीजिए, मुझे आपके सहारे या हमदर्दी की जरूरत नहीं। हमदर्दी करना कोई जुर्म तो नहीं? अमीर की गरीब से हमदर्दी एक झूठ है, फरेब है। ये अमीर लोग अपने जुल्म की इब्तिदा हमेशा हमदर्दी से ही करते हैं। आप दौलतमंदों को इतना बुरा क्यों समझते हैं? मैं तो तुम लोगों से नफरत करता हूँ। तुम लोग शहर के हंगामों को छोड़कर इन वीरानों में क्यों आते हो? इन वीरानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सभी दौलतमंद एक जैसे नहीं होते। सभी एक जैसे होते हैं, सभी एक जैसे होते हैं। बहुत अच्छा बजा रही थी, बंद क्यों कर दिया? इन सुरों में वो सोस कहां जो उसकी आवाज में था। न जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसकी आवाज की तरफ खींचती चली गई। किसकी आवाज सुनकर आ रही हो? मैंने कहा वो नीचे वादी में एक आदमी अकेला बैठा गा रहा था और आंखों से देख नहीं सकता था। तुम राजू की बात कर रही हो? राजू? हाँ, वही राजू जिसके साथ तुम बचपन में खेला करती थी। माजी के अंधेरे में न वो तुम्हें देख सका, न तुम उसे पहचान सकी। वो दिन याद करो जब तुम छोटी सी थी। पीछा नहीं छोड़ती आया जी। राजू कहाँ गया? मैंने इसे भगा दिया। क्यों भगाया? बिटिया, बिटिया।
वो फिर यहाँ आया, मुझे कितनी मरतबा मना किया है कि मुझे शादियाँ साथ लाई है। नहीं नहीं बताएगी, खुद ही आ जाता है। शादियाँ झूठ बोलती है। बकवास बंद कर, get out! बाबा! और इसी चोट ने राजू की आंखों की रोशनी छीन ली। दूसरे रोज उसका बाप यहाँ आया था, लेकिन खान बहादुर तुम्हें यहाँ से ले जा चुके थे। राजू अपनी अंधी जिंदगी का बोझ उठाए इस वादी में जवान हो गया। और जिंदगी के यही दुख उसकी आवाज का दर्द बदले। इसीलिए ये कर भरी आवाज वादी में गूंजती रहती है। ये कर अब हमें भी चैन नहीं लेने देगा। चैन नहीं लेने देगा? मैंने कहा इसमें किसी का क्या कसूर है? उसकी किस्मत ही में ऐसा लिखा था। ऐसी किस्मत हमारे ही हाथों की लिखी गई। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसे ये सारे दुख मैंने दिए हैं। ना मैं बचपन में उसके साथ खेलती, ना डैडी उसे मारते, और ना ही उसकी आंखों का नूर जाता। जो कुछ हुआ है मैंने कहा उसे भूल जाओ, दिल पे इतना असर ना लो। असर भी वही लेता है जिसे दुख पहुंचा हो। मैं उसकी खोई हुई रोशनी तो नहीं ला सकती, लेकिन चाहती हूँ कि वो अपना ये दुख भूल जाए। यही दुख उसके दिल की आग बन गया। आग तो जला देती है चाचा, जज्बात की आग ना जलने देती है और ना जिंदा रहने देती है। राजू की दुख भरी दास्तान सुन के मेरा जी बोझल हो गया। ये बोझ कैसे उतारूं? जब तक उसके दिल में जलती हुई आग ठंडी नहीं होगी, ये बोझ नहीं उतरेगा। ये दिन बचपन के साथी, जीवन के ये दिन बचपन के साथी, जीवन के याद आएंगे, तड़पाएंगे सपने बन बन के। हो ये दिन बचपन के साथी। के लिए पैदा हुए हैं
और पैदा होने से पहले हमारी रूहों का मिलाप आसमानों पर हो गया था। तुझे कसम है अपनी जवानी की, मुझे छोड़कर ना जाना, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। तेरे घर नन्नी मुन्नी गाय पैदा होगी, फिर तू नानी बनेगी, फिर तेरी पोती के घर वाला था, फिर मेरा बहुत बड़ा डेयरी फार्म बन जाएगा और मैं बहुत बड़ा आदमी, फिर मैं शहर की सड़कों पर बड़े ठाट से घुमा फिरा करूंगा, लोग मुझे छुप छुप के सलामी किया करेंगे। बैर कुछ खाने के लिए? यस सर। फैजू तू नमक ये? अरे फैजू नहीं, राजा फैज खान बोलो। अबे राजा फैज खान के बच्चे, इस याशी के लिए पैसे कहां से आ गए? तू तो मुझे गाय की आखिरी किस्त देने के लिए चार माह से टाल रहा है। कौन सी गाय, कैसी किस्त? वही जो तूने मुझसे किस्तों का ले रखी है। देखो मिस्टर मलिक, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है और ये छोटी छोटी बातें मुझे याद नहीं रहती। किसी दिन डेयरी फार्म पर आकर मेरे मैनेजर से मिल लेना। हाँ तो क्या कह रहा था मैं आप लोगों से? मैं तुझे बताता हूँ। राजा फैज खान लड़कियों के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तो क्या कह रहा था मैं आपको? भले दौलतमंद से फिर गरीब कर दिया मुझे। क्या तेरा सत्यानाश, पकड़ के मेरा बाजू तोड़ दिया। क्या हुआ भैया? और क्या बताऊं गुलजार, मैं बहुत बड़े होटल में बैठा था, इस गाय ने ऐसा झटका दिया है। वो तो हर वक्त शेख चिल्ली की तरह ख्वाब ही देखता रहता है। अरे पगले, ये ख्वाब तो गरीब आदमी को और दुखी बना देते। मेरे सारे ही दुख दूर हो गए थे भैया, लेकिन इस रानी ने पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। मैं बहुत बड़े डेयरी फार्म का मालिक बन गया था, सूट बूट पहन के बहुत बड़े होटल में जाके डाइनिंग खा रहा था। फिर वो मलिक का बच्चा कहीं से आटप का और आके पकड़ के सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। फिर मैंने भी उसको वो मारा कि मेरे सामने हाथ जोड़ के कहने लगा, फैजू मर गया। फैजू ओ गुल्ला, ये मलिक फिर आ गया है, रानी की आखिरी किस्त लेने आया होगा, चाचा के डालते इसे। तीन महीने हो गए कैसे डालते हुए, मैं तो तंग आ गई हूँ। हाँ। अरे गरीब तो अपनी जिंदगी से तंग रहता है, जाके कह देना भैया घर पे नहीं है। बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ना भैया। सलाम मलिक साहब। जब भी आता हूँ तू उछलकर सामने आ जाती है। फैजू को बुला, गाय के बारे में फैसला करने आया। वो आती के पैसों के चक्कर में गया। हाँ बेचारे के ये चक्कर ही खत्म नहीं होते, अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा। घर पे होता तो अंगूठा लगवाकर ये कागज उसके हवाले कर देता। एक छोर हजार अंगूठे लगवाइए मलिक साहब। मैं तो इन लोगों को पहले कह रहा था कि मलिक साहब जरा जुबान के कड़वे हैं, दिल के बड़े अच्छे। बेटे दिल के अच्छे होते तो तुम्हारी तरह मुफलिस होते। चल गाय की आखिरी किस्त निकाल। लेकिन अभी अभी तो आप दौलत वाले जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं, और जो कुछ करते हैं वो कहते नहीं। तुम मुंह क्या दे रहे हैं, खोल ले गाय। लेकिन मलिक साहब ये गाय साहब
खुदा के लिए चंद दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ। तू अंधा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, दूसरों के लिए क्या करेगा? तू कान खोल के सुन ले, तूने गाय के मामले में जरा भी मुदाखलत की तो मैं इस मकान पर भी कब्जा कर लूंगा, समझे? ये जेवर किस दिन काम आएंगे? इन्हें बेचकर किस्त अदा कर दो। नहीं नहीं, गुलनार के जेवर नहीं बिकेंगे। ये बहन के जेवर है, कोई इसका सुहाग नहीं जो हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। पैसे आएंगे तो फिर बनवा दूंगा, ला तो दे मुझे जेवर। तू बात बात पे क्यों दुखी हो जाता है? तूने सुना नहीं, मैं अंधा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, दूसरों के लिए क्या करूंगा? आज मैं तेरे जेवर भी ना बचा सका गुलजार। कौन हो तुम? राजू यही रहता है? हाँ, तुम्हें उससे क्या काम? सुना है वो बहुत अच्छा गाता है। मेरी मालकिन ने उनकी तारीफ सुनी तो गाने सुनने का इश्तियाक पैदा हो गया, मैं उन्हें लेने आई हूँ। मैं अपने लिए गाता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। जो अपने लिए गाते हैं आवाज उनकी भी गैरों तक पहुँच जाती है। मेरी मालकिन बहुत कदरदान है और तुम्हें इनाम भी देगी। इनाम नहीं, मुआवजा चाहिए, मिलेगा। क्यों नहीं? तो फिर आज मैं गैरों के लिए भी गाऊंगा। जा गुलनार, अपने भैया से कह दे तेरे जेवर ना बेचे, आज मैं अपनी आवाज बेचने जा रहा हूँ, जा जल्दी जा। अच्छा चल। आइए। मैं ना पकड़ती अभी गिर जाते। हाँ? हुआ कुछ नहीं, चलो। आज अच्छा सा गीत सुनाना कि मालकन खुश हो जाए। तुम घबरा क्यों रहे हो? न जाने क्यों यहाँ आकर मेरा जी घबराने लगा है। क्यों? मैं खुद नहीं जानता। अपनी मालकिन से कहना कि मैं फिर कभी। ठहरो, बड़ा दुखी है मालकिन। इसकी सारी प्रॉब्लम मैंने अपने कानों से सुनी है। जी हाँ, जिस दोस्त के सहारे जिंदा, आज उसकी बहन का जेवर बिकने गया है। आपने बुलाया तो मैंने सोचा कि अपनी आवाज भेजकर। आवाज भी कोई बिकने वाली चीज है? ये लो, थोड़े से पैसे रख लो, ना ही इसे इनाम समझना और ना ही इसे मुआवजा। ले लो, इंसान ही इंसान के काम आता है। बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। मेरी मालकिन का? कौन है तुम्हारी मालकिन? खामोश क्यों, कोई बोलता क्यों नहीं? किसका घर है ये? कौन रहता है यहाँ? राजू बेटे, अच्छा अच्छा तुम तो ये खान बहादुर का घर है और ये मालकिन खान बहादुर की बेटी शादिया है। भूल जाओ पुरानी बातों को। ये इनके लिए पुरानी बात है बाबा, मेरे जख्म तो आज भी ताजा है। शादिया को तुमसे हमदर्दी है? मैंने कब इसकी हमदर्दी मांगी है? मुझे दौलत का इनाम देने वाली खान बहादुर की इस बेटी से पूछो चाचा, मैंने कब इससे भीख मांगी है? इस घर से दोस्ती का जो इनाम मुझे मिलना था वो तो आज से 12 साल पहले ही ये बेनूर आंखें पा चुका हूँ। शादिया का इसमें क्या कसूर है? दौलतमंद का कभी कसूर नहीं होता चाचा, कसूरवार तो हमेशा गरीब ही होता है। ये सब किस्मत का खेल था बेटा। मैं किस्मत को कोई नया खेल नहीं खेलने दूंगा। ले जाओ ये दौलत और कह देना अपनी मालकिन से कि वो इस दौलत से ना तो मेरी मजबूरी खरीद सकती है और ना ही मेरी आंखों की रोशनी वापस ला सकती है। बहुत देर करती राजू ने। आता ही होगा भैया, इस घर की उसे तुमसे ज्यादा फिक्र है। हाँ, अरे ये तो मैं मानता हूँ, मगर खुदा जाने वहाँ पे क्या बात हुई है कि
कि राजू अभी तक वापस नहीं लौटा। हो सकता है वहां उसे उस लड़की की मालकनी ना भी मिली हो, और ये भी हो सकता है कि उसे राजू का गाना ही ना पसंद आया हो और वो खाली हाथ वापस आ जाए। थोड़ी देर और देख ले भैया। अरे शाम होने में देरी कितनी रह गई है, अगर सुनार की दुकान बंद हो गई तो ना ही तेरा जेवर बिकेगा और ना ही गाय वापस आएगी। 800 रुपए की तो सिर्फ गाय है, बच्चा तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है। अगर फैजू ने रुपया अदा कर दिया तो कहाँ से अदा करेगा, घर में खाने को नहीं है, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगा। दौलत दरख्तों पे नहीं लगती, रुपया बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है भैया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैं ये जेवर बेच के रुपया लेने गया था, सुनार की दुकान ही बंद हो गई, ये तुम खुद ही बेच लेना, कमी बेशी हुई तो हिसाब फिर कर लेंगे। मैं जेवर क्या करूंगा, मुझे नकद रुपया चाहिए नकद। भतू तेरे साथ सौदा पक्का। अरे कैसे पक्का हुआ, मैं रुपयों के बदले जेवर दे रहा हूँ। ले जा ये जेवर, मुझे नकद रुपया चाहिए। ये लो नकद रुपया, फैजू के जिम्मे जितने पैसे हैं इसमें से ले लो। ये आपकी हमदर्दी फैजू की समझ में नहीं आई। तुम्हें तो मेरी बात सुनो मलक साहब, अब क्या होगा। होगा क्या, रुपया मिल गया है, फैजू अपनी गाय ले जाएगा। लेकिन सौदा तो तुमने मेरे साथ भी पक्का कर लिया है। रकम अभी तक तुम्हारी जेब में है, मेरे हाथ पे होती तो सौदा पक्का होता। जा बाबा जा। कैसा व्यापारी है वो, हमारा रुतबा अपना मकाम क्यों भूल जाती है। शाजिया का भूखे नंगे लोगों की बस्ती में जाना हमारे लिए शर्म की बात है। अहमद कह रही थी, मैंने कहा कोई भला हुआ काम याद। उस गंदी बस्ती में ऐसा कौन सा काम याद आ गया जिसने उसे हमारी इज्जत भी भुला दी। बेटियां मर जाती हैं लेकिन माँ बाप की इज्जत को जिंदा रखती हैं। मैं बस्ती में जरूर गई थी, एक गरीब को मेरी मदद की जरूरत थी। इस मुल्क में एक नहीं करोड़ों गरीब बसते हैं, अगर तुम सबकी मदद करने निकली तो एक दिन खुद उनसे ज्यादा गरीब हो जाओगी। लेकिन हम तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, अगर सफर या उसके खानदान को पता लग गया तो वो लोग क्या सोचेंगे। तुमने एक ऊंचे घराने में जन्म लिया है, तुम्हारे अंदर वही औसाफ होने चाहिए जो एक ऊंचे खानदान की लड़की में होते हैं। बेटियां माँ बाप के घर से सिर्फ कीमती जहेज ही नहीं, खानदान की इज्जत और वकार भी लेकर सुसार जाती है। साहब को और मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा बस्ती का नाम लिया तुम्हारा कुछ है। रोशनी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता, गाय भी न जाती, गुलनार का जेवर भी करता। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मलिक का रुपया भी अदा हो गया, गाय भी वापस आ गई और गुल्लार का जेवर भी घर ही में रहा। अब तुम्हें किस बात की फिक्र है। फिक्र इस बात की है कि ये अंधा इस घर के किसी काम ना आ सका, तुम दोनों पर बोझ बनकर रहे। ये बात तुमने आज कही है, आइंदा तेरे मुंह से ना सुनू। मैं तेरा दोस्त हूँ राजू, दोस्ती अगर बोझ होती तो इस दुनिया कोई किसी का दोस्त ना होता। तेरी दोस्ती के सहारे ही तो जिंदा। फिर दोस्त बन के ये क्यों नहीं सोचता कि तेरे यार का बोझ तो गुलनार है। बोझ? अरे लड़कियां तो पराई अमानत होती हैं फैजू। कुछ समझे राजू, उसके दिल में जरूर कुछ है, तू जाके पूछना, वो अंदर कमरे में है। मैं? अरे उसे जवाब देने का ढंग नहीं आता और मुझे पूछने का सलीका नहीं। अरे जो वो बात भाई से ना कह सकी तुझसे जरूर कह देगी। गुलार मैं तुझसे कुछ पूछने आया था। पूछ? अरे पूछना। ऐसा लगता है तेरे दिल में कुछ है और जबान पे कुछ। तू ठीक कहती, बात ही कुछ ऐसी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती। मुझसे कहते हुए भी शर्म आती? हाँ, तेरे भैया ने मुझसे तेरी शादी की बात की है। तूने क्या जवाब दिया? अरे यही तो तुझसे पूछने आया हूँ। अरे कहाँ जा रही, मेरी बात का जवाब तो दे। क्या कहूँ तेरे भैया? जो जी मैं कहती ना। गुल्लार, अरे राजू ने तुझसे कुछ कहा? भैया लाल चुनरिया जग से ना था तो
चलो। देख सकती तो टकरा कर गिरती क्यों? तो क्या तुम भी? हाँ मैं भी अंधी हूँ। अरे कहीं चोट तो नहीं आई? चोट? ऐसी ठोकरें तो अंधी का मुकद्दर बन गई है। बहुत दुखी मालूम होती हो, कौन हो तुम? एक गरीब लड़की। क्या करती हो? जो गरीब क्या करते हैं, दूसरों के घर का कामकाज। मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी दुखों के सिवा और कुछ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम? नाम तो माँ बाप ने नूर रखा है, लेकिन रोशनी को तरस रही हूँ। मेरा नाम राजू है। तुम्हारे और मेरे दुख एक जैसे हैं। हम दोनों की जिंदगी कितनी मिलती जुलती है। तुम्हारी बातों से यूँ लगता है कि तुमने दुख अभी अपनाए नहीं। मेरी तरह दुखों से प्यार करो तो यही दुख सुख में बदल जाएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो। इसके बावजूद जब कभी जी घबराता है तो इस बाग में चली आती हूँ। बच्चों के शोर में अपनी तन्हाई के दुख भूल जाती हूँ। भूल जाती हो ना, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, मुझे भी अपने साथ ले चलो। चलो। यहाँ आकर मुझे भी यही महसूस होता है, लेकिन लेकिन जब कोई अंधा कहकर पुकारता है तो अंधेरे का एहसास और बढ़ जाता है। इसका ताल्लुक भी तुम्हारे दिल से है। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने महसूस कर लिया है और तुम्हें भी करना है। तुम यही बैठो, मैं भी आई। फूलों की रंगत रहे ना रहे, नदिया का पानी बहे ना बहे। अरे ये क्या चश्मा? हाँ, अगर तुम इन आंखों से दुनिया को नहीं देख सकते तो अब दुनिया वाले भी इन आंखों को नहीं देख सकेंगे। नूर, तुमसे पहली मुलाकात में मुझे रोशनी की किरण दिखाई देने लगी है। तुम मुझे मिला करोगी ना? मैं तो हर रोज 4 बजे यहाँ आती हूँ। आज तो बहुत खुश है। अपने दिल से पूछ, तू भी तो बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ हाँ, आज मेरी अंधी जिंदगी को आंखें मिल गई। अरे ये कहां से ले आया? अरे इससे तो उजाला भी अंधेरे में बदल गया। हाँ इसी अंधेरे में नूर की किरण फूटी है। मुझको मालूम न था फूल काटा। अरे बिटिया, मैं तो अंधी हूँ, तुम ही देख कर चलो। ये तुम क्या कर रही हो? अरे कहीं चोट तो नहीं आई? यही राजू ने कहा था चाचा। अच्छा, तो तुम राजू से मिलकर आई हो? हाँ चाचा। मगर वो तो तुमसे नफरत करता है। नफरत तो शादियों से करता है। मैं तो एक गरीब और अंधी लड़की बनकर उससे मिली थी। मेरा नाम नूर है, नूर। अच्छा समझ गया। लेकिन बिटिया, अगर ये राज खुल गया तो फिर क्या होगा? अभी तो ये आंख मचोली है, फिर ये आग का खेल बन जाएगा। आग का खेल? चाचा तुमने चिराग देखा है ना, दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलता है। डैडी किस कमरे में है? मैंने कहा वो जफर की माँ से मिलने गए। चाचा डैडी यूं तो मेरी हर बात मानते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने माशाल्लाह लगा दी है। ये जफर क्या चीज है? ना मैं उसे जानती हूँ ना पहचानती हूँ। तुम्हारे मुंह से बात निकली है तो मुझे भी कहने का हौसला हुआ है। मैंने सुना है जफर अच्छा आदमी नहीं है। एक छोटा सा महल बनाए, महल बनाए उसमें कलियां प्यार के सजाए। कलियों पर हो प्यार की शबनम गाए, हवाएं प्यार की सरगम। खिलते रहेंगे फूल से गुलशन के, वो दिन बचपन के साथी। लो खाना खा लो। क्या सोच रहे हो?
सोच रहा कि इस घर के बुरे दिन खत्म होने में ही नहीं आते। गाय ने बच्चा दिया तो वो भी मुर्दा, फिर गाय ने दूध देना भी छोड़ दिया, घर का खर्च कैसे चलेगा? भैया कह रहा था नौकरी मिल जाएगी, किसी बड़े घर में बावर्ची की जरूरत है। हाँ भैसू और बावर्ची, अरे उसे दाल पकानी तो आती नहीं। मुझे तो यही कह गया था। हूँ तो फिर उसके लिए हल्दी चूना पीस कर रखना, वो लोगों को खाना खिलाने की बजाय खुद मार खा कर आएगा। नहीं पहचाना? ये बुढ़ा भी तुम्हारा कुछ लगता है रोजी। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? दिल से दिल को रहा हो तो आदमी सभी कुछ जान लेता है। मैं कहती हूँ बकवास बंद रखो। तुम होश में तो हो? तुम्हें देख के कौन कम वक्त होश में रह सकता है जी। देखो खान बहादुर साहब, न जाने कौन है और बगैर इजाजत अंदर घुस आया, उल्टी सीधी बातें करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या जलाल है चेहरे पर। ये आपके तेवर बता रहे हैं कि आपका ताल्लुक किसी शाही खानदान से है, मगर ये बालों की सफेदी और चेहरे की रंगत अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। शायद सरकार ने कभी गौर नहीं किया कि सेहत दस्तरखान से बनती है, और पकाने वाला अच्छा हो तो सेहत खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। ये शाही बावर्ची इसीलिए हाजिर हुआ है सरकार। अच्छा अच्छा, तो तुम बावर्ची हो, हमें तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत थी। लेकिन डैडी, ये तो बहुत बूढ़े हैं, इनसे हमारे घर का काम नहीं संभलेगा। बेटी, तुम्हें मुझसे खाना पकवाना है या कुश्ती लड़वाना है? ये आदमी बड़ा दिलचस्प मालूम होता है। हमें बातें बनाने वाला नहीं, खाना पकाने वाला चाहिए सरकार। सुन लिया आपने, ये आजकल की नस्ल बुजुर्गों की बातें सुनना भी गवारा नहीं करती। मेरे पहले साहब के यहाँ एक ऐसी ही लड़की थी जो सुबह सुबह अल्लाह अल्लाह करने की बजाय टोस्ट डांस किया करती थी। टोस्ट नहीं भाई, ट्विस्ट। अरे हाँ, टोस्ट तो सुबह नाश्ते में दिया जाता है। तो साहब, मैं वहाँ से नौकरी छोड़ छाड़ के चला आया, अपना यहाँ भी गुजारा नहीं होगा। आप कोई जवान बावर्ची रख लीजिएगा। जवान मुलाजिम इस घर में नहीं रह सकता, लड़कियों का मामला है। तुम बताओ तनख्वाह क्या लोगे? तनख्वाह जो समझ में आए दे दीजिएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस लड़की से कह दीजिए मेरे बुढ़ापे का मजाक ना उड़ाए। नहीं नहीं बड़े मियाँ, रोजी ऐसी लड़की नहीं, तुम इन्हें बाहर चखाने में ले जाओ। सरकार, इसने अभी तक दिल से कबूल नहीं किया। कर लेगी बड़े मियाँ, कर लेगी, तुम भी जरा प्यार। वो तो मैं करूँगा, चलिए। ये रहा किचन। ये तो किचन का दरवाजा है, दरवाजे पर साथ छोड़कर नहीं जाते। अंदर चलकर बताओ कि कौन सी चीज कहां पर रखी है। गॉड, ये रहा धनिया, गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी। जल्दी ना कर, ताजा फल फ्रिज में रखे हैं। देख बुड्ढे, मेरे से ऐसी बात ना करना। प्यार से मुझसे जरा प्यार से बात किया कर, मैं प्यार का भूखा हूँ रोजी। शादिया बीबी, शादिया बीबी।
शादी देखो, ये बुढ़ा बहुत खराब आदमी है, इसकी नियत अच्छी नहीं लगती। अगर तुमने उसे डांट दिया होता, डांटा तो हाथ पकड़ के कहने लगा मुझसे प्यार की बात ही किया करो, मैं प्यार का भूखा हूँ। आओ मेरे साथ, मैं अभी उसकी तबीयत साफ कर देती हूँ। शादिया बीबी, इसे खाना पकाना कुछ भी नहीं आता। तो चुप रहे, जब ये खाना टेबल पर गया ना तो डैडी इसे खुद ही बाहर कर देंगे। ओके ओके। बिरयानी कहलाती है सरकार, इसे चंगेज खान की नानी ने इजाद किया था, बड़ी मुश्किल से नुस्खा हाथ लगा है। ओह गुड गुड, इसका मजा हमारे मुल्क की बिरयानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चंगेज खान की नानी फौज को यही बिरयानी खिलाया करती थी, और लोग कहते हैं सरकार फौज का हर सिपाही चंगेज खान की तरह ताकतवर था। वेरी गुड, हमें रोज यही बिरयानी खिलाया करो। ये क्या है? चंगेज खान की नानी इस बिरयानी को चांदी का तड़का दिया करती थी सरकार। चांदी तो मुझे बावर्ची खाने में मिली नहीं, मैंने पीतल का ही तड़का लगा दिया, इससे सारा वतनाम पेट में चला जाता है। वतनाम? ओ शायद तुम्हारी मुराद विटामिन से है। जी 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 सरकार, आप बिल्कुल ठीक समझे, ये अंग्रेजी में मेरा जरा हाथ तंग ही रहा है। फैजू जी, नमक कुछ कम लग रहा है। जी तो मैं और ले आता हूँ सरकार। जितना मर्जी लीजिए नमक। शाजिया बेटे, तुम भी तो लो। डैडी, इस बाबरजी का करेक्टर ठीक नहीं है, इसने रोजी को छेड़ा है। छेड़ा है बाबरजी? आया सरकार। सरकार मेरा हाथ पकड़कर प्यार जताने लगा। उस बुढ़े की ये हिम्मत बाबरजी! आया सरकार। रोजी ने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा है सच ही कहा है सरकार। इस बुढ़ापे में ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? इसे भी इस जवानी में ऐसी बातें सोचते हुए शर्म आनी चाहिए सरकार। मेरी रिश्ते में एक थी, बिल्कुल ही ऐसा नाक नक्शा, उम्र भी इतनी ही, मैंने ही उसे पाला था। मैं जब इसे देखता हूँ तो मुझे वो याद आ जाती है। रो ना बड़े मियाँ। रोजी, तुमने इसके प्यार को गलत समझा। इस दुनिया में सभी सबके प्यार को गलत समझते हैं। ये तुम्हारी इज्जत की जगह है। इज्जत में शक न करे सरकार, लेकिन इसे इतना कह दीजिए कि जरा बात प्यार से किया करे। रोजी चलो इनसे माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया, और मेरे साथ अंदर मेरे सामने बैठ के खाना खाओ। आ जाओ, आ जाओ। मुझे अपनी महरूमी का एहसास ही नहीं रहा। वो संधी लड़की ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। मैं उसे देख तो नहीं सकता, लेकिन जब उसे छूता हूं तो उसका सारा सरापा ये अंधी आंखें भी देख लेती हैं। आंखें तो रोजी की है राजू, सालिम ने किसी हिरनी से चुराई है। कमाल करता है फैजू, मैं नूर की बात कर रहा हूं और मुझे रोजी याद आ रही है। क्या बताऊं राजू, वो क्या चीज है? फूल की पत्तियों जैसे गुलाबी होंठ, छोटी सी खूबसूरत नाक और पतली कमर। लेकिन क्या करूं, मैं गरीब हूं ना, इसीलिए उसने अभी तक मुझे घास नहीं डाली। कोई बात नहीं, जरा मैं भी पैसे वाला हो लूं तो फिर तुम देखना वो कैसे पागलों की तरह मेरे पीछे फिरेगी और प्यार में पुकारती फिरेगी फैजू, और मैं कहूंगा नो। अरे ये तो सो गया।
रो रही है? क्या हुआ तुझे गुल्लार? अरे बता ना, अपने भैया से भी छुपाएगी? राजू ने तो नहीं कुछ कह दिया? ये अंधी लड़की कौन है? जब देखो राजू उसी का जिक्र करता रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ। तेरा उस लड़की से क्या बह रही? राजू जो उसका जिक्र करता है, कहते ना उससे मेरे घर में उसका नाम ना लिया करे। हाँ। अरे पगली, ना ही उसका नाम नूर है और ना ही वो अंधी लड़की है, वो तो खान बहादुर साहब की बेटी शाजिया है। शाजिया? खान बहादुर की बेटी? हाँ, वो ये खेल हमदर्दी में खेल रही है। कहती है कि उसकी आंखें हमारी वजह से गई हैं, हम ही उसका इलाज कराएंगे। और ये बेवकूफ दौलतमंदों से नफरत करता है, इतना भी नहीं जानता कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अपनी गाय के पैसे भी शाजिया ही ने दिए थे। तुझे तो खुश होना चाहिए, अपने राजू को आंखें मिल जाएंगी। सच भैया, राजू को आंखें मिल जाएंगी। शाजिया कह रही थी मैं उसका ऑपरेशन करवाऊंगी। ये बात दिल में ही रखना, अगर राजू को मालूम हो गया तो सारा मामला ही चौपट हो जाएगा। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भैया? मैं भला उसे क्यों बताऊंगी? हाँ, बातें करता करता सो गया है, मैं जरा उस पर कपड़ा डाला हूँ, कहीं सर्दी में सुकड़ी ना जाए। अजीब बात, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? फैजू वल्द फजल दीन। कितना खूबसूरत नाम है तुम्हारा, लेकिन हमारा तुम्हारा मैरिज नहीं हो सकता। मेरे माँ यूरोपियन और बाप? बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। रोजे, मैं अभी तुम्हें खान बहादुर के सामने पेश करूंगी। खान बहादुर साहब बड़े सख्त आदमी है, वो मुझे जान से मार देंगे। आप जूतों से मार लीजिए, मैं आपके फॉर्म पर आपके तो फॉर्म में जूती नहीं है, आप मेरा जूता ले लीजिए और मुझे खूब मारिए, खूब। रोजी तुम कैसे आए? उस खिड़की से। क्यों आए? तुम्हारे लिए। ओ शट अप, मैं अभी खान बहादुर साहब को बुलवाती हूँ। जल्दी बुलवाओ, मैं भी अभी उस बुड्ढे बावर्ची को पकड़ के लाता हूँ जिससे तुम छुप छुप कर प्यार करती हो। प्लीज, वो बुड्ढा तो उल्टी खोपरी का आदमी है, पहले ही हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। मैं भी हाथ मुंह धोकर आया हूँ, जरा खान बहादुर साहब को दिखा दो। जी नहीं, इस बात का फैसला आज खान बहादुर साहब के सामने होगा। एक न्याम में वो बुढ़ी तलवार और ये जवान तलवार इकट्ठी नहीं रह सकती। मैं उस बुढ़ी तलवार को तोड़ दूंगा। कहाँ है वो बुढ़ा? फैजू, फैजू, खान बहादुर साहब। जी बड़ी घबराई हुई हो? वो फैजू यहाँ तो नहीं आया है। वो तुम्हारा चाहने वाला तो वो अब यहाँ भी आने लगा। मैं प्यार करता हूँ तो साहब से शिकायत करती हो कि बुड्ढा बड़ा खराब है। इस बात का फैसला आज खान बहादुर साहब के सामने हो जाएगा कि मैं बुड्ढा बुरा हूँ या तू। हाय प्लीज, खान बहादुर साहब को ना बताइएगा। तो फिर मुझे सच सच बता दो, फैजू मुझसे प्यार करता है? वो तो मैं जानता हूँ। तेरे दिल में क्या है? अब तो मुझे भी वो अच्छा लगने लगा है। अरे फैजू तू, अरे मेरी आधी देसी आधी मुलाजी, मैंने भेजी तेरे लिए बदला था।
क्या दिया बिटिया? ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए? और तुम्हें देखने आ रहा है और खान बहादुर नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो तुमने ये तो नहीं कह दिया कि मैं कमरे में हूँ? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने कब तो कह देना कि शाजिया बाहर गई हुई है, मैं पिछले दरवाजे से निकल जाती हूँ, राजू मेरा इंतजार कर रहा होगा। शाजिया, तुम यहाँ कैसे? ऐसे ही जरा घूमने चली आई थी। मैं तुम्हारी तरफ जा रहा था, खान बहादुर साहब ने तुम्हें बताया होगा मम्मी तुमसे मिलना चाहती है, मैं तुम्हें लेने ही जा रहा था। चलो ना, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। नूर, आवाज तो नूर ही की थी, कदमों की चाप भी उसी की थी। नूर, अराहट पर चौंक जाना तेरा प्यार है या मैंने धोखा खाया है? भाई तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये कहीं और ही खोई हुई है अम्मी, मैं तुझे यहाँ जबरदस्ती ले आया। जफर मियाँ, आपके दोस्त आपसे मिलने आए। माफ कीजिए, मैं अभी हाजिर हुआ। बेटी, शादी से पहले हर लड़की का दिलो दिमाग एक दूसरे से टकराता रहता है, लेकिन जब अजनबी लोग और माहौल को अपनाने के लिए अपनी आरजुओं को कुर्बान करती है तो वही हार उसकी जीत बन जाती है। बेटी, मैं तो इस घर में बहू की आवाज सुनने के लिए तरस गई। जब भी खान बहादुर से पूछा तो फौजी कमांडर की तरह से जवाब देते हैं, भाभी शाजिया तालीम मुकम्मल करके आएगी तो देखा जाएगा। भाई, वहां की पढ़ी लिखी लड़कियां तो बड़ी फैशनेबल होती हैं, मगर मैं तो तुम्हें देख के हैरान ही रह गई हूँ, ये तुमने पहन क्या रखा है? आंटी, मेरी तबीयत है ही साथ की पसंद। भाई, तबीयत कितनी ही सादा हो, मगर ये भी तो सोचो कितने बड़े बाप की बेटी हो। बहू बेटी के लिबास ही से तो लोग खानदान का अंदाजा लगाते हैं। मेरे घर आओगी तो सुबह का जोड़ा शाम को नहीं पहनने दूंगी। तुम्हें लोग एक ही नजर देखकर कहेंगे कि ये मिसेस मिर्जा की बहू है। राजू, तुम्हारे एक रूप से मोहब्बत और दूसरे रूप से नफरत करता है। मोहब्बत का एक ही रूप होता है चाचा, राजू मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा है। जिस दिल में नूर के लिए इतनी मोहब्बत हो, उस दिल में किसी के लिए भी नफरत जिंदा रह ही नहीं सकती। तुमने कभी ये नहीं सोचा, शाजिया और नूर नदी के वो दो किनारे हैं जो साथ साथ तो चलते हैं लेकिन मिलते कभी नहीं। तुमने भी शायद कभी नहीं देखा चाचा, जब तूफान आता है तो ना किनारे बाकी रहते हैं ना उनका फासला। मोहब्बत वो जज्बा है जो छुपाया तो जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता। गुलनार, मैं जानता हूं तुम मुझसे नहीं बोलेगी, तू मेरी बात से नाराज है ना? चल अब जाने भी दे। जो चीज तू देख नहीं सकता उससे नफरत करता है ना, मैं भी तुझे दिखाई नहीं देती तू मुझसे भी नफरत करता होगा। हाँ, अरे अरे पगली, मैं तुझसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? अपना समझ के कभी कुछ कह देता हूँ, मेरा ये मतलब तो नहीं होता कि तेरा दिल दुखाऊं। अपना समझता तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? अच्छा, ले अपने हाथों से फूल मेरी आंखों से लगा। मेरे गुलदार, मुझे कुछ दिखाई देने लगा है। तू मुझे देख रहा है? मैं तुझे कैसी लगती हूँ? बिल्कुल चुड़ैल जैसी। और पता है तू कैसा लगता है? कैसा लगता हूँ तुझे नहीं बताऊंगी। Yeah.
की खामोशी और सन्नाटा बता रहा है कि शाम हो गई है। हमारी जिंदगी में सुबह ही कब थी नूर, रात हो या दिन, हम दोनों के लिए तो एक ही जैसा है। मैंने तो ना सूरज को डूबते देखा है और ना निकलते। तूने तो चांद भी देखा होगा और सूरज भी। देखा था कभी, अब तो नहीं देख सकता ना। तुम उसे अच्छे है नूर, तूने कुछ देखा ही नहीं। मेरे दिल से पूछ, मैं इसी बस्ती में इधर से उधर भागा फिरता था, अब दो कदम चलता हूँ तो ठोकरे खाता हूँ। तेरे ये बुझे हुए चराग फिर से जल सकते हैं। ऑपरेशन करा ले। ऑपरेशन के लिए बहुत सा रुपया चाहिए नूर, मेरे पास है ही क्या। बस्ती में जादू भरी आवाज तेरे सिवा और किसकी है? तेरी आवाज तो मेरे साहब ने भी सुनी है। मैंने जिक्र किया तो कहने लगे अपनी आवाज बेच के ऑपरेशन करा सकता है। अरे मेरी आवाज सुनने कौन आएगा? तुझे अपने बारे में कुछ खबर ही नहीं, बस वीराने में बैठा गाता रहता है। अगर तू राजी है तो साहब से बात करूं। इस बस्ती और इस वादी को तो एक बार देख ही चुका, अब तमन्ना है तो सिर्फ तुझे देखने की। ये गाने वाली बात तो मुझे किसी ने सुझाई ही नहीं। तू लोगों से मिलता ही कब है? ये दिल मोह लेने वाली आवाज लोगों को सुना फिर देखना कितनी कद्र करते हैं। बिन देखे तेरा मुखड़ा मन के अंधियारों में चमके, मन के अंधियारों में चमके, बन के चांद का टुकड़ा है बिन देखे तेरा मुखड़ा है बिन देखे तेरा मुखड़ा। दुल्हन आई नई नवेली, दुल्हन आई कैसे कैसे नाज दिखाए, कैसे कैसे नाज दिखाए, नजर मिला के नजरें चुराए, नजर मिला के नजरें चुराए, घूंघट में छुप जाए है बिन देखे तेरा मुखड़ा है बिन देखे तेरा मुखड़ा। लाज से जब तू नैन झुकाए, रिखव पंचम से टकराए, तेरी आवाज से शीशों को खनक मिलती है, तेरी सांसों से गुलाबों को महक मिलती है, तेरी नजरों से सितारों को चमक मिलती है, तेरी अगड़ाई से शाखों को लचक मिलती है। ओ, 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 ओ लाज से जब तू नैन झुकाए, रिखव पंचम से टकराए, मुस्काए तो कलियां चटके, मुस्काए तो कलियां चटके, धरती मेघ सुनाए है बिन देखे तेरा मुखड़ा
है बिन देखे तेरा मुखड़ा। चमके 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 बनके चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा बिन देखे तेरा मुखड़ा है, बिन देखे तेरा मुखड़ा। है कि तुम मेरे ही शागिर्द हो। इतनी बार कहा है कि बाप राणा भैया सबसे बड़ा रुपया। राजू राजू तुम्हारी आवाज ने क्या जादू जगाया है। इस शो की आमदन में पूरे 2500 रुपए तुम्हारे हिस्से में आए हैं, ये लो। नूर पहले तू अपनी आंखों का इलाज करा, मैं अपने लिए एक बार फिर कहूंगा। मेरे प्यार में ये क्यों भूल जाते हो। मैं जन्म जन्म की अंधी हूँ, तेरी रोशन आंखें मेरे अंधेरों का उजाला बन जाएंगी। ऑपरेशन हर कीमत पर कामयाब होना चाहिए डॉक्टर। राजू कहाँ है? उधर गया आता होगा। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? राजू का ऑपरेशन कामयाब रहा है। मुझे यकीन है राजू को उसकी आंखें जरूर मिल जाएंगी। जरूर मिल जाएंगी। मैंने रात सपना देखा था, राजू को आंखें मिल गई और जब उसने मुझे देखा तो भागते हुए मेरी तरफ। अल्लाह करे तेरा सपना हकीकत बन जाए। शाजिया बीबी ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया ना? हाँ, तुम दोनों दुआ करो राजू को उसकी आंखें मिल जाए। हाजी बाबा के मजार पर जाकर दुआ मांगूंगी, मेरी मुराद जरूर पूरी होगी। और चलो फिर गरीबों की मदद करना, उनसे हमदर्दी जताना शाजिया की फितरत में शामिल है। यह जज्बा अपनी जगह अच्छा जरूर, लेकिन शाजिया कभी कभी इतना आगे बढ़ जाती कि हमारे वकार को ठेस लगती। तुम्हारी बातें सुनकर यूं लगा जैसे तुम ये सोचने लगे कि जी नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ऐसा तो मैं सोचा भी नहीं चाहिए। हमने शाजिया को कई बार समझाया, इतना तो तुम जानते ही हो। लड़कियां मैके की आदतें ससुराल जाकर छोड़ देती। जी हाँ, वैसे गरीबों से थोड़ी बहुत हमदर्दी करना कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है, और राजू जैसे गरीब आदमी से इससे ज्यादा हमदर्दी की भी नहीं जा सकती। ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखों में सुइयां चुभ रही। घबरा नहीं, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, मेरी आंखें ऐसे चलाने से आंखों पर असर पड़ता है। मेरी आंखें अंगारों की तरह जल रही। खोल दो ये पट्टी, खोल दो। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। छोड़ दो डॉक्टर, मेरी आंखों में बहुत दर्द है। पैथाडीन इंजेक्शन डॉक्टर। ओके सर। डॉक्टर खुदा के लिए ये पट्टी खोल दो, मेरी आंखें जल रही है, जल रही है। डॉक्टर इसी जलन से रोशनी की किरण फूटेगी, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। नहीं होता डॉक्टर, नहीं होता। इतना दर्द था कि फूटने पर भी नहीं हुआ था। नूर तू कहाँ चली गई थी? मेरे पास रहकर, मेरे करीब। तुम्हारे करीब ही बैठी हूँ। करीब ही बैठो, तुम करीब होती हो तो कोई दुख याद नहीं आता, तो भूले हुए दुख भी याद आ जाते हैं। डॉक्टर साहब इंजेक्शन ले जाओ, मरीज को करार आ गया है, इन्हें अब दवा से ज्यादा आपकी जरूरत है। डॉक्टर ने ठीक ही तो कहा है नूर, मुझे दवा से ज्यादा तेरी जरूरत है। तुम नूर से इतनी मोहब्बत करते हो? मोहब्बत? अरे तू तो मेरी जिंदगी है,
और कोई जिंदगी बिना भी जी सकता है? मेरी जिंदगी तो तुमने देखी ही नहीं। जैसे मैं गरीब वैसी तू? राजू, जैसी तुम समझते हो मैं वैसी नहीं। आंखें मिलने के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। तू इन आंखों का ही नहीं, मेरी जिंदगी का नूर बनकर आई है। खामोश क्यों हो नूर? तुम्हारी बातें सुनकर दिल और बेचैन हो गया है। और मैं तुम्हें देखने के लिए बेचैन हूँ। जानती हो नूर, पट्टी खुलने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें देखूंगा। और क्या गुलनार आई? गुलनार? गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है, वो मेरे लिए हमेशा गुलाब के फूल लेकर आती है। मैं समझा गुलनार आ गई। गुलनार अच्छी लड़की है। बहुत अच्छी। मेरी आंखों की रोशनी आ जाने दे, हम ये बस्ती ही छोड़ देंगे। मैं बड़े बड़े शहरों में गाऊंगा, एक अच्छा सा घर बनाएंगे, हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की इब्तिदा करेंगे। बस्ती छोड़ने से पहले किसी अच्छे से लड़के से उसकी शादी कर देंगे। मेरी आंखों की रोशनी आ जाने दे, हम ये बस्ती ही छोड़ देंगे। बस्ती छोड़ने से पहले किसी अच्छे से लड़के से उसकी शादी कर देंगे। मेरी आंखों की रोशनी आ जाने दे, हम ये बस्ती ही छोड़ देंगे। मैं बड़े बड़े शहरों में गाऊंगा, एक अच्छा सा घर बनाएंगे, हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की इब्तिदा करेंगे। मैं रोशनी की पहली किरण में अपनी नूर को देखना चाहता हूँ। जब तक नूर नहीं आएगी ये पट्टी नहीं खुलेगी। वो आने ही वाली है। तो फिर आ जाने दीजिए। Oh,
वो तो पिंडी गए हैं, कल तक आ जाएंगे। और शाजिया गालिबन किसी से मिलने गई? जी जी जी, वो अपनी सहेली से मिले। डॉक्टर, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर घबराइए नहीं, आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलिए। तुझे देख सकता? तूने तो कहा था आंखें मिलने के बाद मुझे तुझसे नफरत हो जाएगी। मेरा तो जी जाता है कि दुनिया की किसी चीज को ना देखूं, तुझे ही देखता रहूं। आंखें मुबारक हो। आंखें मिलने के बाद भी धोखा खा रहा हूं। धोखा? आपकी आवाज मैंने पहले से सुनी है। हाँ, उस वक्त तुम अंधे थे। कौन है आप? मैं इनका मंगेतर हूं। मंगेतर? ये क्या कह रहा है नूर? ये नूर नहीं, खान बहादुर की बेटी शाजिया है। राजू के साथ धोखा हुआ है डॉक्टर, मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया गया। मैं अंधा ही अच्छा था डॉक्टर, मैं अंधा ही अच्छा था। राजू, मैंने सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया। सब कुछ मेरी बर्बादी के लिए किया। पहली बार तुमने बचपन के प्यार के नाम पर मुझे धोखा दिया, दूसरी बार मोहब्बत के नाम पर फरेब दिया। मुझे बताओ, मैंने कब तुमसे इन आंखों की भीख मांगी थी? बचपन की छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? सजा तो 12 साल से मैं भुगत रहा हूँ। पहले मुझे अंधेरों से डरती, अब मुझे रोशनी से भी नफरत हो गई। खैरियत मिस शाजिया? अब न मैं शाजिया रही हूँ और न नूर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए राजू, जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें आंखों का नूर मिल गया। आंखों का नूर तो मिल गया डॉक्टर साहब, जिंदगी का नूर कहाँ तलाश करो। हुई साख को अब तुम्हारे आंसू भी नहीं बुझा सकते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अभी ये आंख मचोली है, फिर ये आंख का खेल बन जाएगा। अब सोच रही हो चाचा को क्या जवाब दूं? मैंने कहा नूर मरने नहीं देती और शाजिया जीने नहीं देती। जिंदा नूर भी रहेगी और शाजिया भी। इस आग में जलना पड़ा तो चाचा खुद जल जाएगा। जबरदस्ती के फैसले जिंदगी में जहर घोल दिया करते हैं सरकार। ये जबरदस्ती का फैसला नहीं, बाप की ख्वाहिश है। बेटी के जज्बात को पामाल करके अपनी ख्वाहिश को पूरा करना ये जिद कहलाता है सरकार। जिद? हाँ सरकार, बेटिया की शादी जहाँ आप करना चाहते हैं वहाँ ना उसके जज्बात सलामत रहेंगे ना मुस्तकबिल। तुम शायद जफर के खानदान से वाकिफ नहीं। खानदान कितना ही ऊंचा हो, आदमी घिरा हुआ हो तो वही बुलंदी उसकी पस्ती बन जाती है सर। आपकी आंखें सिर्फ खानदान पर हैं और मेरी नजरें उस नौजवान पर जिसे आप जफर और लोग शराबी और अजाज कहते हैं। बकवास बंद करो, अपने गुस्से पर काबू रखिए सरकार। अब तक आप खान बहादुर बनकर सोचते आए हैं, आज आपको बाप बनकर सोचना होगा। ये मेरी बिटिया की जिंदगी का सवाल है, मैं किसी को उसके जज्बात से नहीं खेलने दूंगा। मैं शादिया की शादी सफर जैसे दलील आदमी से नहीं होने दूंगा। आपने मुझे मारा और मारिए,
जी भर कर मारिए। कहीं भर के लिए भूल गया था इस घर का नौकर हूं, मेरा इस घर पर कोई हक नहीं, शाजिया मेरी कुछ नहीं लगती, गोद में खिलाया है ना, फिर क्या हुआ, नौकर बच्चों को गोद में खिलाया ही करते हैं। शाजिया, अहमद से पूछने के बजाय पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें जफर के साथ शादी करने से इनकार है? मुझे आपका फैसला कबूल है। सुन लिया तुमने, मैं अभी जाकर शादी की बात तय करता हूँ। उनसे कहना क्या माए, ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा के लाए, मुझे बचाओ। तो जाने मत दीजिए अंकल, ये चोरी करने आई थी। मैं ना आता तो शायद तुम इसका सब कुछ चुरा लेते। मैं सच कह रहा हूँ अंकल, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, जग्गू के झूठ और इसके फटे हुए कपड़ों ने हमें सब कुछ बता दिया है। अच्छा हुआ हमने तुम्हारा ये रूप भी देख लिया और शाजिया बर्बाद होने से बच गई। अंकल कोई बात नहीं, मैं भी शाजिया का जीना आराम कर दूंगा। ये हाथ तुम इतनी आसानी से नहीं छुड़ा सकते। जफर, जफर को जो चीज पसंद आ जाए ना मिले तो छीन लिया करता। दलील कभी नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दो मुझे। दूसरी बार मोहब्बत के नाम पर परेड दिया। मुझे बताओ मैंने कब तुमसे इन आंखों की भीख मांगी थी? पहले मुझे अंधेरों से कहते थे, अब मुझे रोशनी से भी कहते हैं। शुक्र कीजिए एक्सीडेंट बड़ा था लेकिन चोट मामूली आई। लेकिन डॉक्टर ये बेहोशी, ये बेहोशी दिमागी सदमा की वजह से। दिमागी सदमा? चाचू, चाचू इन्हें अब तक होश आ जाना चाहिए था, इंजेक्शन बेअसर साबित हुआ, क्यों डॉक्टर? कुछ भी हो ये बेहोशी खतरे की इलामत है। शादियों को अभी तक होश नहीं आया? डॉक्टर कहते हैं कि उसे कुछ दिली सदमा पहुंचा है। पर चोट लगती है तो दिमाग पर भी असर होता है। राजू ने अच्छा नहीं किया, नफरत पैदा होती है तो एक न एक दिन खत्म हो जाती है और मोहब्बत जन्म लेती है तो हमेशा जिंदा रहती है। लेट जाओ, तुम्हारा जुर्म सादा है। जुर्म तो आज लगा है, देखा दो दिलों की आग में मोहब्बत चलती है। ये पैसे वाले किसी से हमदर्दी भी करते हैं तो सिर्फ अपनी हैसियत जताने के लिए। ये हमें ये एहसास दिलाते हैं कि तुम गरीब हो और हम अमीर, तकदीर ने हमारी किस्मत में सुख लिखे
और तुम्हारी किस्मत में दुख। ये किसी गरीब की मदद भी करते हैं तो सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए। तुम शाजिया को अभी तक अंधी आंखों से देख रहे हो। अंधी आंखों से देखता था तो मुझे मोहब्बत करने वाली नूर नजर आती थी, और इन रोशन आंखों से देखता हूं तो मुझे फरेब देने वाली शाजिया नजर आती। मेरे उन अंधेरों में नूर थी, मोहब्बत थी, खुशियां थी, सुकून था, और भीख में मिले हुए इन उजालों में धोखा है, फरेब है, नफरत है। तुम क्या जानो उसने मुझे आंखें देकर मुझसे क्या कुछ छीन लिया। अब यहां नहीं रहूंगा, किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां गैर अपने बनकर धोखा ना दे। अपनों को गैर समझने वाले अपने आप को धोखा दिया करते हैं। शाजिया बिटिया ने तुमसे कोई हमदर्दी नहीं जताई, कोई एहसान नहीं किया। उसने तो अपना प्यार निभाया है, वही प्यार जो वो बचपन से करती चली आई है। तो फिर मेरे बचपन के प्यार से कहो चाचा कि मेरी वो खुशियां वापस कर दे जो उसके दिए हुए अंधेरों ने एक एक करके 12 साल में मुझसे छीनी। तुम भी वो खुशियां वापस कर दो जो तुमने नूर से शाजिया बनाकर उससे छीनी है। वो दर्द खुद ले लो जो शाजिया ने नूर बनकर अपने सीने से लगाए हैं। तुम शाजिया से नफरत करते हो और वो तुम्हारी मोहब्बत में दम तोड़ रही है। इस हालत में भी उसकी जबान पर तुम्हारा ही नाम है। शाजिया बीबी अस्पताल से गई तो उनकी गाड़ी अपने घर के फाटक से टकरा गई। वो उस वक्त से अब तक बेहोश पड़ी है। इसे जानते हो, मैंने कहा नफरत भी उसी से होती है जिससे मोहब्बत हो। नफरत तो याद करने का एक बहाना है। तुम अभी तक उसे भूल क्यों नहीं गए? याद रखे हुए हो तो ये नफरत नहीं मोहब्बत है। तुम अमीरों को पत्थर दिल कहते हो, मैं कहता हूँ तुम्हारे सीने में पत्थर है। याद रखो, शाजिया बिटिया को कुछ हो गया तो सारी जिंदगी इन्हीं वादियों में सर टकराते फिरोगे जहां तुमने मोहब्बत भी की है और नफरत भी। आप लोग अभी तक सोचते क्या रहे हैं? ये बेहोशी सर की चोट की वजह से नहीं, दिमागी सदमे के सिबब है। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, इनके दिमाग का ऑपरेशन होना चाहिए। फौरन अस्पताल ले चलिए। शाजिया, 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 इन मरीज को डिस्टर्ब ना कीजिए, इनकी हालत और बिगड़ जाएगी। डॉक्टर से कहिए मेरी बिटिया को बचा ले, मेरी बिटिया को बचा ले। सब्र से काम लो अहमद, अल्लाह ने चाहा तो। अगर अल्लाह को इस घर से जिंदगी चाहिए तो शादिया की बजाय वो मेरी जान ले ले, उसे जिंदगी चाहिए ना। मैं मर गया तो उसकी खुदाई में कौन सा फर्क आ जाएगा? मेरी बिटिया मर गई तो मैं तो इस दुनिया में जीते जी मर जाऊंगा सरकार, जीते जी मर जाऊंगा। मेरे मौला डॉक्टर बेबस हो गया है, बचपन के साथी जीवन के वो दिन, बचपन के साथी जीवन के याद आते हैं, तड़पाते हैं सपने बन बन के। हो वो दिन बचपन के साथी,
कागज की वो नाव बनाना, कागज की वो नाव बनाना, तूफानों से उसको बचाना, जागती आँखों देखना सपना, सपना कब होता है अपना, साथी छूटे सारे टूटे, रिश्ते तन मन के हो दूं बचपन के साथ। बागों में तितली का पकड़ना, बागों में तितली का पकड़ना, तितली पर वो अपना लड़ना, फिर वो तितली का उड़ जाना, हाथों में बस रंग रह जाना, रंग जाते हैं जब छाते हैं बादल सावन के, हो वो दिन बचपन के साथी। महल बनाए उसमें खलियां प्यार की सजाए, एक छोटा सा महल बनाए, महल बनाए उसमें खलियां प्यार की सजाए, कलियों पर हो प्यार की शबनम गाए, हवाएं प्यार की सरगम, खिलते रहेंगे फूल से गुलशन के, वो दिन बचपन के साथी, जीवन के वो दिन बचपन के साथी, जीवन के याद आते हैं तड़पाते हैं, सपने बन बन के, वो दिन बचपन के साथी, जीवन के वो दिन बचपन के।